थर्ड क्लास में केवल 19 स्टूडेंट ही हैं, अभी अटेंडेंस थोड़ी देर बाद में। चैप्टर फिफ्थ मैंने आपको पहले कराया था, बूंदें कहाँ से आती है, ये पहले चैप्टर आपको करवा दिया था, बूंदों का जल कैसा होता है, इसके फिलअप भी करवा दिए थे। अगर जिसके पास नहीं है तो चैप्टर फिफ्थ का पीडीएफ मैं आपके पोर्टल पर सेंड कर दूंगी, और शायद सेंड कर भी चुकी हूँ, पोर्टल पर है ये चैप्टर फिफ्थ, वहां से आप इसके फिलअप और इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और ये मैंने आपको करवा भी दिया था। आगे आज चैप्टर सिक्स आपका स्टार्ट करती हूँ, नागदार चना। ओके बच्चों, चैप्टर सिक्स नागदार चना, हिंदी लिट का ये आज आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सिक्स नागदार चना। देखिए सबसे पहले चने के बारे में बताया गया है कि चना नागदार कैसे है, ये एक स्टोरी है नागदार चने के बारे में जानेंगे। बच्चों आपने चने के दाने और गेहूं के दानों को ध्यान से देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा शायद। चने के दाने की नोक उठी होती है और गेहूं के दाने के बीच में एक निशान होता है, सबने देखा होगा। आओ इस लोक कथा को पढ़कर जाने कि ऐसा कैसे हुआ। लोगों लोगों के मुंह से कही हुई कथा है कि जो गेहूं होता है, गेहूं के बीच में निशान होता है, वो क्यों होता है, और चने की जो नाक है वो ऊपर उठी हुई क्यों होती है, इसके बारे में एक लोक कथा के आधार पर हम जानेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, जमीन पर अन्न खुद ही पैदा हो जाते। बहुत पुराने समय की बात है कि जमीन पर क्या पैदा हो जाते हैं, अन्न पैदा हो जाते। कैसे हो जाते हैं? बहुत समय पहले कोई खेती करने वाला था नहीं, और किसी को खेती करना भी नहीं आता था, पहले लोग जानते ही नहीं थे, धीरे धीरे सब लोग जानने लगे। तो बहुत पुराने समय की बात है, जो जमीन पर जो अन्न होते थे लोगों के खाने के लिए, वो अपने आप ही पैदा हो जाते थे। उनकी खेती नहीं की जाती, किसकी खेती नहीं की जाती थी, गेहूं की और चने की, अपने आप ही जमीन पर उग जाते थे, किसी को खेती करना आता भी नहीं था, क्योंकि उस समय किसी को खेती करना नहीं आता था। लेकिन आज आज के जमाने में हम कहें कि गेहूं और चना अपने आप फसल उग जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के जमाने में तो बोना पड़ता है, सबको खेती करना आती है और बोने से ही मिलते हैं, पहले जब किसी को आता नहीं था तो वो अपने आप हो जाया था। एक बार कुछ पौधे खुद ही पैदा हो गए, क्या हुआ, कुछ पौधे थे वो अपने आप पैदा हो गए, वर्षा हुई पौधे बड़े हो गए, वर्षा हुई तो क्या हुआ, पौधे बड़े हो गए, उनमें कुछ पौधे गेहूं के निकले, किसके निकले, कुछ पौधे गेहूं के निकले और कुछ चने के निकले। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, और धीरे धीरे पौधे थे वो दोनों कैसे हो गए, बड़े होने लगे। कुछ समय बीता, एक दिन गेहूं और चना आपस में लड़ने लगे, यानी गेहूं का पौधा भी अपने आप निकल गया और चने का पौधा भी अपने आप निकल गया, और दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ समय निकला ही था कि एक दिन गेहूं और चना आपस में लड़ने लग गए, क्या करने लगे, लड़ने लगे। ये तो चना है, आप पिक्चर देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये आपका चना है और ये आपका गेहूं का, ये गेहूं है और ये चना, कैसे लड़ने लगे, दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे थे, दोनों अपने आप को कह रहे थे, वो कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कह रहा है मैं श्रेष्ठ, गेहूं कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, चना कहता है मैं श्रेष्ठ,
अपने आप को बता रहे थे। गेहूं कहता है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, चना कहता है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ जा रहा। क्या हो गया? दोनों में झगड़ा बढ़ गया, परंतु दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, लेकिन दोनों किसी भी निर्णय पर, गेहूं और चना, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। इसी बीच उधर से एक सियार आ निकला। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो उसी बीच क्या निकला? एक सियार आकर के निकला। देखिए बच्चों, आपने गेहूं और चने की पिक्चर नहीं देखी है तो देखिए, गेहूं की इस तरह बाले होती है, ये बाल है, और उसका जो गेहूं बनता है वो इस शेप का होता है, और ये चने की इस तरह घेघरी होती है, इनको घेघरी बोलते हैं, और ये इसका जो होता है, ये इसका शेप होता है चने का। चना हमारा इस तरह लाल से रंग का होता है, गेहूं सफेद से रंग का। गेहूं, ये गेहूं का हमारा शेप है, आप सब देख सकते हो, ये चना है और ये गेहूं। इसी बीच जब दोनों में लड़ रहे थे तो क्या हुआ? अचानक एक सियार आ जाता है। दोनों को आपस में झगड़ते देख उसने कहा, झगड़ा मत करो, मत करो। दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो उसने क्या कहा कि झगड़ा मत करो, मुझे बताओ कि क्या बात है। उसने कहा आप दोनों झगड़ा मत करो और मुझे बता दो कि क्या बात है। दोनों बोले, मामा आप ही हमारा झगड़ा निपटा सकते हो। गेहूं और चने दोनों आपस में बोलने लगे। दोनों ने क्या कहा कि मामा केवल आप ही हो जो हमारे झगड़े को निपटा सकते हो। आप ही बताओ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सियार बोला, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। गेहूं, पहले तुम अपनी विशेषताएं बताओ। चने ने कहा कि सबसे पहले गेहूं तुम अपनी विशेषताएं बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं है, तभी तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है, गेहूं बोला। गेहूं ने क्या कहा, मेरा आटा, यानी मुझसे सब लोग आटा बना सकते हैं, दलिया, सूजी और मैदा बनता है मुझसे। गेहूं ने कहा मुझसे तो आटा बनता है, सूजी बनती है, दलिया बनता है, मैदा बनती है, रोटी, पूड़ी, हलवा, जलेबी और दूरे जैसी खाने की चीजें मुझसे ही तैयार की जाती। इसने कहा गेहूं ने कि सब चीज मुझसे ही तैयार की जाए। सियार के पूछने पर चना बोला, अब चने से बोला अब तुम अपनी विशेषताएं बताओ। तो चना बोला मेरा साग बनता है, चने का, हरे सागे का, दाल भी बनती है मेरी, मुझे भिगो कर, भून कर, उबाल कर, अंकुरित करके लोग बड़े चाप से खाते। ने कहा मेरे बेसन से कितने ही प्रकार की नमकीन बनती है और मिठाइयां बनती हैं। मेरा आटा आसानी से पचने वाला होता है। उसने कहा मेरा जो आटा होता है चने का, वो आसानी से पचने वाला होता है। यहाँ तक कि मेरे बेसन का प्रयोग उपटन के लिए भी किया जाता है। यानी गेहूं ने कम बताई थी विशेषता, बेसन ने ज्यादा बताई थी। अब उसने क्या किया, सियार ने दोनों की विशेषताओं को सुना पहले तो, फिर सियार बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वह बोला अब निर्णय करने का समय आ गया है, अब आपका निर्णय हो जाएगा, अब निर्णय करने का समय आ गया। गेहूं और चना सिर उठाकर सियार का निर्णय सुनने लगे। दोनों जने, आप देखो इस फोटो पर देखिए, ये आ गया, दोनों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई, और ये गेहूं है, ये चना है, ये सियार है। सियार ने इन दोनों की बातें सुन ली, अब दोनों निर्णय सुनने के लिए तैयार हो गए। सियार ने कहा मैंने तुम दोनों की, सियार ने कहा मैंने तुम दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी है।
दोनों ही गुणी हो। उसने कहा कि मैंने तुम दोनों की बातें ध्यान से सुनी हैं, तुम दोनों ही क्या हो, गुणी हो, परंतु तुम दोनों में चना श्रेष्ठ है। गुणी तो तुम दोनों हो, लेकिन तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? चना। गेहूं के मुकाबले चने में अधिक गुण है। उसने कहा गेहूं में इतने गुण नहीं है, गेहूं के मुकाबले चने में अधिक गुण है। यह सुनते ही निराश होकर गेहूं ने अपने पेट पर चाकू चला दिया। जैसे ही गेहूं ने यह बात सुनी कि चना मुझसे श्रेष्ठ है, वो निराश हो गया और उसने अपने पेट पर चाकू चला लिया। चना खुशी से फूला ना समाया। अब चने ने सुना, चना खुश हो गया कि भाई मैं महान हूं, खुशी से फूला ना समाया, उसने खुशी से अपनी नाक ऊंची कर ली। किसने कर ली? चने ने। चने ने खुश होकर नाक ऊंची कर ली और गेहूं ने उदास होकर अपने पेट पर चाकू चला लिया। आज भी गेहूं के पेट में बना गहरा निशान दिखाई देता है, जहां पे उसने जो चाकू चलाया था, आज भी कभी से उसका ये निशान बनने लगा है। तभी से गहरा निशान दिखाई देता है कि नहीं गेहूं के पेट पर, और चने की ना ऊंची नाक भी साफ साफ दिखाई देती है। चैप्टर आपका हो गया फिनिश। ओके बच्चों, बच्चों इस चैप्टर के मैं हार्ड वर्ड आपको टिक लगा देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर ही टिक लगा देती हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। जो हार्ड वर्ड है वो यही है, श्रुतलेख नीचे दिए हुए हैं। ये आपको सारे चैप्टर के करने, पहले चैप्टर के आप नहीं लिखे उसके भी आप लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, ये बुक में है वैसे लिखने की, आपकी क्लास में मैडम लिखवाती है तो आप लिख लीजिएगा। अब मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। पहले आपको ये दिख रहा है बच्चों, आपस में प्रेम से रहने से ही लाभ है, लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए। ये इसका मैसेज है, इस चैप्टर का ये मैसेज दिया गया है कि आपस में हमें प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए। और आप इस चैप्टर के शब्दार्थ देखिए, अभी मैं आपसे इसकी रीडिंग भी करवाऊंगी। शब्दार्थ देखिए, अन्न का अनाज, निर्णय का फैसला, वर्षा का बारिश, श्रेष्ठ का उत्तम, झगड़ा का लड़ाई, लाभ का फायदा। ये तो आपको वर्ड मीनिंग लिखते हैं इसके। मैं टिक लगा दे रही हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक इसके वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपको। और ये श्रुत लेख जो दिया हुआ है, ये हार्ड वर्ड है आपके, ये भी आपको लिखना है। श्रेष्ठ, दलिया, कॉपी में हार्ड वर्ड डाल के लिखने हैं, कठिन शब्द लिख के आपको कॉपी में हेडिंग डालनी है। कठिन शब्द आपको पता होगा, आपकी मैम लिखवा दी थी, कठिन शब्द लिखना है। फिर उसके बाद श्रेष्ठ, निर्णय, झगड़ा, विशेषताएं, अंकुरित, दलिया, मिठाइयां, ध्यान, मुकाबला, लड़ाई, झगड़ा आदि। चलो मैं लिखवा देती हूँ आपको ये बच्चों। मैं कठिन शब्द आपको लिखवा रही हूँ। लिख लीजिए। सभी बच्चे मुझे लिखते हुए दिखाई देंगे स्क्रीन पर। हेडिंग डालिए कठिन शब्द, हेडिंग डाल लीजिए हार्ड वर्ड। ओके निर्णय, एक सेकेंड,
निर्णय, दूसरा है श्रेष्ठ, लिख लीजिए साथ ही साथ अपनी कॉपी में, चैप्टर 6 के हार्ड वर्ड लिख लीजिए, श्रुत लेख भी है। झगड़ा, दूसरा विशेषताएं, फर्स्ट नंबर का मिटा दूं, अंकुरित, दलिया, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, अब 8 पे नंबर का लिखिए, मिठाइयों के बाद ध्यान, मुकाबला, नंबर का मिटा देती हूँ, 10th नंबर का है आपका, लड़ाई, ये आपके हार्ड वर्ड हो गए इस चैप्टर के। हो गया बच्चों, 10 हार्ड वर्ड मैंने आपको लिखवा दिए हैं, प्रियांक भगेल आप अनम्यूट, अनम्यूट हो बेटा, बोलिए। मैम मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी बेटा, कल करवाऊंगी। ओके, अभी आपसे रीडिंग करवाऊंगी, उसके बाद कल इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज सारी करवाऊंगी, अभी इसके हार्ड वर्क करवा दिए। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, और चलिए बच्चों, अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, कौन रीडिंग करेगा, स्टॉप करती हूँ, पहले चेक करूंगी सबके हार्ड वर्क किस किसने लिख लिए कॉपी में, स्टॉप कर रही हूँ, किस किसने लिखे हैं दिखाइए मुझे, सारे बच्चे मुझे हार्ड वर्क दिखाएंगे, वेरी गुड, नित्यांग ने लिख लिए, गुड बॉय, और किसने लिखे हैं, पवनी हार्ड वर्क दिखाओ बेटा, पवनी अग्रवाल हार्ड वर्क दिखाइए बेटा, अभिनव, अभिनव शेखर,
हार्ड वर्ड दिखाइए। बेटा कॉपी दिखानी है आपको। कॉपी दिखाइए। ओके अभिनव शेखर कॉपी दिखाइए। अभिनव शेखर अपनी कॉपी दिखाइए। बेटा कॉपी नहीं दिखा रहे हो आप लोग। हार्ड वर्ड नहीं लिखे आपने। ओके आदित्य ने लिख लिए, खुशी ने लिख लिए, नित्यांक बघेल ने लिख लिए, अनोखी अनोखी कॉपी दिखाओ बेटा अपनी। आयन अग्रवाल, आराध्या हार्ड वर्ड दिखाइए। आराध्या अपनी, मैत्रेयी मनिका। ओके अवनी अग्रवाल आप दिखाओ बेटा। अवनी शिवम गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, कार्तिका सिद्धपाल आपने लिखा नहीं है बेटा। जल्दी से लिखो, हार्ड वर्ड कंप्लीट करो। ओके चलिए अब मैं अनम्यूट करूंगी। कौन भी मनिका गुप्ता थर्ड भी। मनिका गुप्ता आपका हैंड रेज है, आपको अनम्यूट किया हुआ है। मनिका गुप्ता यस मैम। बोलिए बेटा, आप रीड कीजिए चैप्टर 6। बहुत पुराने समय की बात है, जमीन पर अन्न खुद ही पैदा हो जाते थे। उनकी खेती नहीं की जाती थी क्योंकि उस समय किसी को भी खेती करना नहीं आता था। एक बार कुछ पौधे खुद ही पैदा हो गए, वर्षा हुई, पौधे बड़े हो गए। उनमें कुछ पौधे गेहूं के निकले और कुछ कुछ चने के। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कुछ समय बीता, एक दिन गेहूं और चना आपस में लड़ने लड़ने लगे। दोनों अपने अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते थे। गेहूं कहता, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। चना कहता, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार दोनों में झगड़े बढ़ता जा रहा था, परंतु दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी बीच उधर से एक सियार आ निकला। दोनों को आपस सिद्धपाल में मैंने आपका देख लिया। झगड़ते देखा। उन्हें कहा, झगड़ा मत करो, मुझे बताओ कि क्या बात है। दोनों बोले, मामा आप ही हमारा झगड़ा निपटा सकते हैं। आप ही बताओ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सियार बोला, ठीक है, गेहूं पहले तुम अपनी विशेषताएं बताओ। गेहूं बोला, मैं आटा,
दलिया, सूजी और मैदा बनाता है, बनता है रोटी, पूरी, हलवा, जलेबी और भटूरे जैसी खाने की चीजें मुझसे ही तैयार की जाती हैं। ज्यार के पूछने पर चना बोला, मेरा सा बनता है दाल बनाती है मुझे दाल बनती है मुझे भिगो के भून कर उबाल कर अंकुरित मैम ये क्या लिखा है अंकुरित करके लोग बड़े चाव से खाते हैं। मेरे बेसन से कितने ही प्रकार के नमकीन और मिठाई बनती है। मेरा आटा आसानी से पचने वाला होता है। यहाँ तक कि मेरे बेसन का प्रयोग उबालने के लिए भी किया जाता है। वेरी गुड मनिका, बहुत अच्छी रीडिंग की बेटा आपने। अब आपको म्यूट करती हूँ। थैंक यू मैम। चलिए अब कौन, बहुत से हैंड रेज हैं। कार्तिका गुप्ता को अनम्यूट किया। यस मैम। सियार बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वह बोला, अब निर्णय निर्णय करने का समय आ गया है। गेहूं और चना सिर उठाकर सियार का निर्णय सुनने लगे। सियार ने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। तुम दोनों ही गुड़ी हो, परंतु तुम दोनों मैं चना श्रेष्ठ है। गेहूं श्रेष्ठ है गेहूं के मुकाबले चने में अधिक गुण है। यह सुनते ही निराश होकर गेहूं ने अपने पेट पर चाकू चला लिया। चना खुशी से फुलाया समाया। उसकी खुशी से अपनी नाक ऊंची कर ली। कहते हैं आज भी गेहूं के पेट में बन
अपना गहरा निशान दिखाई देता है और चने की ऊंची नाक की साफ साफ भी साफ साफ दिखाई देती है। वेरी गुड बेटा कार्तिका गुप्ता, बहुत अच्छी रीडिंग किया आपने। अब आपको म्यूट करती हूँ, ओके। अब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि गेहूं और चने में क्या हुआ। चलिए अब आपको स्टॉप शेयर करके अनम्यूट करती हूँ, वन बाय वन आपको अनम्यूट करूंगी और आपसे इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछूंगी कुछ। मैत्रेयी शर्मा, एक सेकेंड, मैत्रेयी शर्मा आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। Yes, ma'am. मैत्रेयी शर्मा आप बताइए गेहूं से क्या क्या बनता है? अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि गेहूं से मैम रोटी। हाँ, खाली रोटी बनती है और कुछ नहीं बनता? पूड़ी और रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है और क्या बनता है? ब्रेड, ब्रेड भी बनती है। और नहीं बनता? नो मैम। चलिए हैंड रेज है जिसके पूछती हूँ, आराध्या अग्रवाल। आराध्या अग्रवाल आप अनम्यूट हो। यस मैम, हमें पूछना था, हमारे कटिंग शॉप छूट गए हैं थोड़े से। कोई बात नहीं है, आपकी बुक में एक मिनट, आपकी बुक है ना बेटा? यस मैम। आपकी बुक में पेज नंबर 38, ओके, पेज नंबर 38 पे श्रुत लेख दिया हुआ है, वो ही आपके कठिन शब्द है, ओके? ओके मैम। उसमें से आप देख के लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। कुछ? नो मैम। नित्यांग बघेल, आपने क्यों हैंड रेज किया है बोलिए बेटा। नित्यांग बघेल अनम्यूट करो अपने आप को। बोलिए नित्यांग बघेल, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं उन्हें ही मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नित्यांग नहीं कर पा रहे हो आप अपने आप को, चलिए छोड़िए। आयन अग्रवाल, आयन अग्रवाल आप अनम्यूट। बोलिए बेटा आयन। यस मैम। आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? वो हमारे हैंड रेज था। जय आप। आयन बेटा आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? आयन मैम क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा तो जवाब दीजिए ना, अभी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। आयन अग्रवाल आप बताइए गेहूं से क्या क्या बनता है? मैम गेहूं की रोटी बनती है और आटा। मैम और गेहूं का आटा बनता है और मैम उसकी सूजी बनती है और मैदा बनता है और दलिया। मैम दलिया, हलवा, दलिया और हलवा। मैम हलवा और मैम जलेबी और मैम पूरी। वेरी गुड।
गुड पॉइंट, थैंक यू मैम। गोपी आप बताइए बेटा, गोपी गोपिल गोपिल गोयल मैम आइए करो, आप बताइए बेटा कि बेसन से चने से क्या क्या बनता है, चने से क्या बनता है? मैम आइए अब डाउट, चने से बता दो, बोलिए बेटा डाउट पूछिए अपना कोई। मैम इस मैं स्टोरी में दिखा रहा है मैम लास्ट के सीन में, मैम चने ने अपने पेट में मैम चाकू